इस वीडियो में हम बात करेंगे लिगामेंट्स के बारे में और सबसे फेमस लिगामेंट ACL के बारे में। लिगामेंट्स क्या होती हैं, ACL क्या होता है, इसकी फंक्शन क्या होती है, ये टूटता कैसा है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और रिकवरी पीरियड क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने का विशेषज्ञ। मैक्स हॉस्पिटल साकेत में मैं काम करता हूँ। जोड़ क्या होता है, जहाँ पे दो हड्डियों का मिलन होता है। नाउ जब मिलन होती है तो दोनों हड्डियों को एकजुट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एकजुट रखने के लिए भगवान ने घुटने में चार रस्सियाँ दी हैं, जिनको हम लिगामेंट बोलते हैं। आइए देखते हैं ये चार रस्सियाँ कहां कहां पे होती हैं। ये घुटने का ऊपर वाला हड्डी है थाई बोन, ये नीचे वाला हड्डी है लेग बोन। आगे की तरफ जो लिगामेंट है इसको हम ACL बोलते हैं। पीछे की तरफ जो लिगामेंट है इसको हम PCL बोलते हैं। अंदर की तरफ जो लिगामेंट है इसको हम MCL बोलते हैं और बाहर की तरफ जो लिगामेंट है इसको हम LCL बोलते हैं। ACL जो है ये आगे की तरफ होता है और लेग बोन को थाई बोन तक जोड़ता है। नाउ ACL का काम क्या है, ACL जो है ये नीचे वाली हड्डी को बहुत आगे जाने से रोकता है। उसके अलावा ये घुटने को रोटेट होने से रोकता है, मतलब घूमने से रोकता है। तो ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कैसे टूटता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कारणों से टूटता है। एक है स्पोर्ट्स इंजुरीज, फुटबॉल क्रिकेट खेलना, डाइविंग करना, ट्विस्ट होना और घुटने पे चोट लगना, ACL टूट सकता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण इंडिया में वो है टू व्हीलर से गिर जाना, साइकिल से गिर जाना, मोटरसाइकिल से गिर जाना। जब आप गिरते हो आपको पता नहीं है घुटना कैसे घूमता है, उस इंजरी में ACL भी टूट सकता है। अगर हम देखें तो कौन से मोशन घुटने में ACL को तोड़ता है, एक होता है हाइपर एक्सटेंशन, मतलब घुटने का जरूरत से ज्यादा सीधा होना, ऐसे इसके कारण ACL टूट सकता है। दूसरा भागते वक्त या स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपका पैर जो है वो ग्राउंड में अटक जाता है और घुटना जो है ये ट्विस्ट होता है ऐसे, ट्विस्ट होता है ऐसे, और इसके कारण ACL टूट सकता है। ACL जब टूटती है आपको कैसे पता चलेगा, तो याद रखिए जब पहली बार ACL टूटता है तो बहुत दर्ददायक होता है। जैसे टूटी तो सूजन आ जाता है घुटने में, घुटने के ऊपर वजन लगाने में बहुत तकलीफ होती है, हो सकता है गिरने के बाद आप उठ ही ना पाए, चलने में तकलीफ होती है और ये तकलीफ तकरीबन एक हफ्ते के लिए रहता है। तो यूजुअली अगर ऐसे चोट लगी है तो ACL पे चोट हो सकती है। अगर ऐसे हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है वो पहले आपके घुटने को एग्जामिन करें, देखें सूजन हो सकती है, हो सकता है पहले ही वो एक्सरे के लिए पूछें, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी चोट में कि हड्डी ना टूटा हो। यूजुअली ACL का इंजरी जो है वो एक्सरे में नहीं दिखाई देता है, तो बहुत बार लोग एक्सरे करके बोल देते हैं कि ये ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि जब सूजन थोड़ा कम अपने आप हो तो फिर MRI कराना इंपॉर्टेंट है, उसमें पता चलेगा कि ACL वाकई में टूटा है कि नहीं। सूजन के कारण हो सकता है आप बिल्कुल दर्द से लथपथ हो, वजन लगाने की क्षमता ही नहीं हो, तो कभी कभी आपका डॉक्टर एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में एक छोटी सी सुई लगा सकता है घुटने में थोड़ा खून निकालने के लिए, ताकि आपको आराम मिले। आपका MRI रिपोर्ट आ गया है, उसमें आ गया है कि आपका ACL टेयर है, टेंशन मत लो। अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ACL कहां से टूटी है, बीच में से टूटी है
या अपने अटैचमेंट्स में से टूटी है। अटैचमेंट्स में से भी क्या ये ACL ही निकल आई है कि हड्डी के टुकड़े के साथ निकल आई है? कितने दिन पहले आपको चोट लगी है? आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है? आप क्या करना चाहते हो अपने ज़िंदगी से? क्या आप यंग आदमी हो, स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलना चाहते हो, या आप काफ़ी खुश हो अपने सेडेंट्री लाइफ से? क्या ACL ही टूटी है या उसके साथ साथ कोई और लिगामेंट भी टूटी है या गद्दी टूटी है? ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी ऑफर करना चाहिए। अगर आप बहुत ही सेडेंट्री आदमी या औरत हो, स्पोर्ट्स वोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, भाग दौड़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ACL टूटा है, कोई गद्दी नहीं टूटी है, तो हो सकता है फिजियोथेरेपी की द्वारा आप अपने लाइफ को 75% क्षमता में चला सकते हैं। आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं फील होगा, क्योंकि ये एक गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह है। जो आदमी 100 के स्पीड में चलाने की शौकिया है तो वो 40 पे नहीं चला सकता, वो हर मौका ढूंढता है 100 पे चलाने के लिए। पर जो आदमी 40 पे ही चलाता है तो 100 स्पीड उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 100 ना के बराबर है जैसे दिल्ली के सड़कों पे हो। तो आपका ACL टूटा हुआ या बहुत एक्टिव आदमी या औरत हो, आपको इंस्टेबिलिटी या फीलिंग कि आपका घुटना जो है वो मुड़ जाएगा, वो फीलिंग है। गद्दी भी टूटी हुई है, एक और लिगामेंट टूटा हुआ है या ना टूटा हुआ है, तो फिर सर्जरी जो है वो निश्चित है। तो सर्जरी आप क्या करेंगे इसमें? नाउ ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि ACL कहां से टूटा है। अगर ACL जो है ये बीचों बीच टूटा है, तो आप ही के बॉडी से एक स्पेयर पार्ट निकाल के हम नया ACL बनाते हैं और इसको दूरबीन के द्वारा घुटने के अंदर लगा देते हैं। अगर ये ACL ऊपर या नीचे वाले अटैचमेंट से टूटा हुआ है, तो इसमें क्षमता है कि इसको हम रिपेयरिंग करें, और ACL में क्षमता होती है कि वो हील हो पाए। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, और ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे जिनमें ये प्रॉब्लम हो और ये पहले 4-6 हफ्ते में मेरे पास आए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके डायरेक्टली रिपेयर हो जाए, मतलब बॉडी से कोई स्पेयर पार्ट ना यूज़ हो, वही ACL जो है अपने जगह पे बन जाए। अगर इसके साथ कोई गद्दी की भी इंजरी हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि वो गद्दी की भी रिपेयरिंग हो जाए, जो मैं ज़्यादातर पेशेंट्स में करता हूँ। जब मैं नया ACL भी बनाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि जो पुराना ACL के रेमिनेंट्स है, मतलब जो बचा कुचा पुराना ACL है, उसे मैं बचाऊँ। क्योंकि याद रखिएगा, पुराने ACL में खून की नलियां हैं। अल्टीमेटली जो भी हम अंदर लगाते हैं, रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्शन, इस उम्मीद से लगाते हैं कि ये रस्सी आपके बदन का हिस्सा बन जाए, और हिस्सा बनने के लिए खून की नलियां लिगामेंट के अंदर जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि नया लिगामेंट जो डाले वो मजबूती दे, और जो पुरानी लिगामेंट है उसको बरकरार रखते हुए, ताकि ब्लड सप्लाई या खून की नलियां नया लिगामेंट में चले जाए। इसको मैं बायोलॉजिकल ACL बोलता हूं, और ये मैं ज्यादातर पेशेंट्स में यही करता हूं। तो मैं ये पूरा अप्रोच जो है ACL मैनेजमेंट में, मैं इसको बुलाता हूं मेनू अप्रोच। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू कार्ड होता है, क्या खाना है आपको, बहुत ऑप्शंस होते हैं, चाइनीज, इंडियन, जो भी है। वैसे ही हर ACL यूनिक है, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स यूनिक है। उसके हिसाब से हमें कुदरती चीज को बरकरार रखते हुए हमें नई चीज बनानी चाहिए, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि कुदरती चीज बरकरार रहे जहां भी हो सके। अगर ACL अकेले टूटा हुआ है, आपका ऑपरेशन हो गया है, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन, तो उसी दिन आप वॉकर के सहारे वजन लगा के आप चल सकते हो। हो सकता है आप थोड़ा कम वजन लगाओ डर के कारण, पर मेरे प्रोटोकॉल में पेशेंट जो है अगले दिन ही पूरे वजन लगा के वॉकर के सहारे चल सकता है। नाउ वॉकर इसलिए क्योंकि ACL का साथी जो आपके जांघे के मांसपेशियां हैं, उनको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है
ACL को सपोर्ट करना जब तक कि वो ACL आपका बदन का हिस्सा ना बन जाए। तो अगर जांघों के मांसपेशियां या क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो हम बोलते हैं, जब तक कि ये मसल्स मजबूत ना हो, वॉकर इस्तेमाल किया जाता है। जॉगिंग आप 4 महीने में शुरू कर सकते हैं, रनिंग 6 महीने में, स्पोर्ट्स 6 महीने में, फुटबॉल और बास्केटबॉल जिसमें पिविटिंग होता है, मतलब घुटना मुड़ता है ऐसे, उसके लिए तकरीबन 9 महीने इंतज़ार करना चाहिए, जब तक के मांसपेशियां पूरी तरीके से मजबूत ना हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप ऑल योर डाउट्स विथ रिगार्ड्स टू ACL रिकन्स्ट्रक्शन हैव बीन सॉल्व्ड इन दिस वीडियो एंड हैव बीन आंसर्ड इन दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।